गाइस, क्या आप भी अपने लटके हुए पेट से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं? चाहे वो आपका लोअर टमी हो या अपर टमी हो, आपके कपड़ों में से बाहर झांकना बंद ही नहीं करता है। और इसको कम करने के लिए बहुत तरह की एक्सरसाइज, रेमेडीज, नया तरीके के डाइट प्लान करके भी थक चुके हैं और आप बिल्कुल निराश हो चुके हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। अभी भी एक उम्मीद की किरण जागी है और वो ऐसी आपकी लाइफ में रोशनी कर देगी और आपके लटके हुए पेट को ऐसे अंदर कर देगी कभी आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। इसके लिए ना तो आपको कुछ खाना पीना है, ना ही कुछ लगाना है। बहुत ही आसान सी ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जो आपके लोअर बॉडी पार्ट को भी बहुत अच्छे से कम कर देगी। पेट तो जाएगा ही और साथ में आपकी थाइज भी, आपके बट्स भी बहुत अच्छी शेप में हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आता है कि दी हमारे थाइज बहुत हैवी हो रहे हैं, हमारा जो बैक है यानी हिप एरिया बहुत हेवी हो गया तो बहुत चीप लगता है ना। और पेट तो है ही भाई साहब, जो अंदर जाने का नाम नहीं लेते। तो चाहे आपके डिलीवरी का बड़ा हुआ पेट हो, या फिर आपकी अनहेल्दी डाइट की वजह से आपका बड़ा हुआ पेट हो, या फिर भी किसी भी हार्मोनल की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से आपका पेट बढ़ गया हो, तो डेफिनेटली मेरा चैलेंज इस वीडियो में, बस मेरे को स्टार्टिंग टू एंड फॉलो कर लीजिए और आपको अल्टीमेट रिजल्ट दिखेगा। और ये मेरा चैलेंज कौन कौन एक्सेप्ट करता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ढेर सारा प्यार दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ishamehra और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने पैरों को इस तरीके से मैट पे रखना है, जमीन पर, मैट पर, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल हो। घुटने आपको अपनी छाती से सटा के रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये तरीका सीखना है बैठने का। जिसके घुटनों में दर्द है वो इस तरीके से नहीं बैठ पाएगा। अगर आपकी बैक में पेन है तो हमें पीछे की तरफ बेंड नहीं हो पाते, लेकिन आगे वाली पोजीशन हम हर चीज़ कर सकते हैं, तो वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन घुटने के दर्द वाले इसको फॉलो नहीं कर सकते, ज़्यादा दर्द है। अब आपने इस तरीके से पहले रोज़ प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस तरीके से जैसे मैं बताने वाली हूँ जो आपको टेक्निक, डेफिनेटली आपका पेट कम हो जाएगा। अच्छा जी, अब तो पहले आप सीख गए समझ लीजिए। अब आपको क्या करना है, अपने कोई भी मैट या दरी के कोने में आ जाना है, ठीक है। आप ऐसे कोने में आ गए, उसके बाद में आपने अपना एक घुटना डाउन करना है, एक आपका अप रहेगा। जब अप रहेगा तो आपकी हील उठ जाएगी, यानी पंजा आपका ऊपर हो जाएगा, एडी। फिर आपने एक स्टेप इसका लेफ्ट पैर का आगे बढ़ाना है, उसके बाद इसको सीधा कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने अप साइड रखा था, अब इसको हम डाउन साइड करेंगे ऐसे, ठीक है। अब फिर इसका हम एक चाल चलेंगे, इस पैर से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ऐसे कर लेना है। तो ऐसा आपको अपने पूरे जो कमरे का चक्कर है ना, एक मिनट तक, ठीक है, 1 मिनट तक आपने ऐसे चलते रहना है। तो जो आप लोग एक्सक्यूज देते हो ना कि ईशा हमारे पास जगह नहीं है, टाइम नहीं है, हम बहुत आलसी हैं, कितने बच्चों के साथ बिजी रहते हैं, बच्चा भी अगर आपका सामने खेल रहा है, छोटा भी है गोदी का भी, तो भी वो खेलता रहेगा, आप तो सामने उसके वॉक कर रहे हो ना, है ना। या कोई आप टीवी सीरियल देख रहे हो तो आपका टीवी चल रहा है, तो आप देख के एक्सरसाइज कर सकते हो, टीवी भी देख लिया आपने और आपका पेट भी कम हो गया, थाइस भी कम हो गई। तो एक्सक्यूजेस ना बंद कर देना आज से और उसको फॉलो करना और फिर मुझे रिजल्ट बताना बस। अब आपने ऐसे ही जब आप एक दीवार तक पहुंच गए अपने घर के कोने तक, रूम का आपने से चक्कर लगाना है, ठीक है, रोजाना 2-3 बार जितना आप कर सकते हो। फिर ऐसे, फिर आगे स्टेप, फिर इसको सीधा, फिर ऐसे, ठीक है। इस तरीके से पूरा आपने जितना भी अपने कमरे के एक दीवार से लेकर दूसरे दीवार तक आपको जाना है, इतना लंबा स्टेप आपने चलना है रोजाना का। और ये इतने अच्छे तरीके से आपके पेट की चर्बी को कम करेगा जब आप इसको फॉलो करोगे ना। अभी तो आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको करोगे ना तो कमेंट जरूर करना कि 1 मिनट तक आपके यहाँ पर इस एरिया में पेट में बहुत पेन होगा आपको, लेकिन वो पेन बहुत नॉर्मल है। जब हम किसी कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, अपनी बॉडी से कुछ काम लेते हैं तो पेन होता है। किचन में खाना बनाने जाओगे पहली बार दर्द होगा, हाथ दुखेंगे, पैर दुखेंगे, सब दुखेगा। तो ऐसे में भी आपकी लातों में, पेट में दर्द होगा, लेकिन वो बहुत नॉर्मल है। रोजाना आपको इस स्टेप को फॉलो करना है। अब आपको क्या करना है, ऐसा जैसे आपको मैंने बताया कि कमरे की एक दीवार से दूसरी दीवार तक आपको चलना है, अब आपको लगातार 1 वीक तक इसको फॉलो करना है। तो अब 1 हफ्ते बाद आपने क्या करना है, आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से वॉक करने की। अब आता है नेक्स्ट, हमारी जो टेक्निक है वो थोड़ी सी टफ होगी, जब आपको 1 वीक कर लोगे तो आपको वो टफ नहीं लगेगी। तो हमें कैसे चलना है, कौवे के जैसे। कौवा कभी आपने चलते देखा होगा, वो ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। बच्चे भी चलते हैं कई बार खेल खेल में, मस्ती मस्ती में, है ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेप रखने हैं हमने, बेबी बेबी स्टेप, और हमें कमरे की एक दीवार से दूसरी दीवार तक जाना है।
जब आप इसको चलोगे तो लिटरली आपका जो लोअर टमी सैक कर गया ना, बिल्कुल आगे की तरफ आ गया है, अपर टमी जो आगे की तरफ आ गया वो बिल्कुल स्क्वीज आउट हो जाएगा, आपकी थाई, आपके हिप मसल सब पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट जनाने वाला है। तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है सेकंड ट्रिक, ठीक है, जो आपको डेली फॉलो करनी है। 1 वीक पहले वो करना है, फिर 1 वीक बाद आपको ये वाला प्रोसेस करना है, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूस आपको 1 मंथ करना है, देन दोबारा आगे कंटिन्यूस रखना है अपनी डेली रूटीन की लाइफ में। अब बहुत सारे लोग वीडियो देखते तो कमेंट करने पर आ गए होंगे कि यार आप तो पतली हो, का पेट नहीं, हमारा पेट है तो हम कैसे करें, है ना। उसकी भी बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको दीवार के साथ इस तरीके से लग जाना है। अब आप पीठ को जो है दीवार से लगा के बैठ गए, आपको गिरने का कोई डर नहीं, ठीक है। हाथों को ऐसे रख लो। अब आपको क्या करना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, यानी गहरा लंबा सांस आपको लेना है। इससे क्या होता है, जब आप जोर जोर से सांस लेंगे, जोर जोर से छोड़ेंगे, एक तो आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि आपके पेट की जो नसें हैं ना वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, जो अभी तक बिल्कुल टाइट थी ना, अकड़ी हुई थी, वो बिल्कुल हट जाएंगी और आपकी पेट की नसें एकदम से रिलैक्स हो जाएंगी, फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। जब फ्लेक्सिबल हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप इस तरीके से दोनों जो टेक्निक्स को फॉलो कर पाओगे। मैं आपको चैलेंज करती हूँ उस वीडियो में, आपका कितना भी पेट है, कितनी भी प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बस आपने, अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस लाइफ में ना कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, आपको सिर्फ अपने दिमाग को और अपने दिल को इस काम को करने पर मजबूर करना है। तो ये चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हैं और इतना पॉजिटिव रिजल्ट होगा कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं करा होगा। और सबसे अच्छी बात, जब हम इस पोजिशन में बैठते हैं ना ऐसे, तो आप नोटिस करना कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ना, जो ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते हैं सुबह उठकर, है ना, उनकी वो प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो जाएगी, अच्छे से वो फ्रेश हो पाएंगे जो पहले हमेशा फ्रेश नहीं हो पाते थे, ठीक है। तो अगर नहीं करना तो फिर ऐसे ही पड़े रहना मोटो, कुछ हो नहीं सकता आप लोगों का, करो तो सब कुछ हो पाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।